नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री का बिहार का दौरा एक बार फिर से टल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार आने वाले थे, ये खबर जो है वो कल ही आई थी, लेकिन एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि 4 फरवरी का दौरा जो है उनका टल गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कार्यक्रम का नया डेट जो है वो निश्चित किया जाएगा। तो कुल मिला के ये बात है कि 4 फरवरी को जो प्रधानमंत्री आने वाले थे वो दौरा जो है अब रद्द हो गया है, लेकिन अगली कोई भी डेट लाइन नहीं है। लेकिन ये दौरा पहली बार कैंसिल नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले 27 फरवरी को ये खबर आई थी कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री का दौरा बिहार का होने वाला है, जो कि वो दौरा जो है टला। अब जो है 4 फरवरी का दौरा भी टल चुका है, तो अब कोई भी डेडलाइन नहीं है। लेकिन लोगों को जिस तरह से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जो है कई सारे ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, तो वो उद्घाटन जो है कहीं ना कहीं टल चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ना भी आए तो भी यहाँ पर रेल मंत्री को आकर के इन सभी रेल परियोजनाओं को उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही सारा श्रेय जो है वो लेना चाहते हैं, खुद ही उद्घाटन करना चाहते हैं, ये एक हकीकत है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।